वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट फ्लो विद जुई। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख चुके हैं कि आज का व्लॉग होने वाला है निश्चय के स्कूल के पहले दिन का। जी हाँ, आफ्टर कोविड दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ हिज फॉर्मल स्कूल। अब तक 2 साल गुजर चुके हैं ऐसे ही ऑनलाइन क्लास में, बट फाइनली टुडे उसे स्कूल जाना है फॉर हीज रेगुलर क्लासेस। एट द सेम टाइम देर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड इमोशंस यू नो रनिंग डाउन इनसाइड मी कि हाउ ही विल मैनेज हिमसेल्फ, क्योंकि वो कभी मेरे से दूर इतने सारे घंटे रहा नहीं है। तो हाउ ही विल कम्युनिकेट विद हीज पीयर्स, विद हीज टीचर्स। तो आई जस्ट होप फॉर द बेस्ट, फिंगर क्रॉस्ड कि ही डज वेरी वेल, ही मेक न्यू फ्रेंड्स एंड स्टेज हैप्पी। सो फ्रेंड्स, फॉर ही स्कूल वी हैव टू प्रिपेयर हीज लंच, हीज ब्रेकफास्ट एंड ऑफकोर्स वी हैव टू मेक हिम गेट रेडी। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, निश्चय के ब्रेकफास्ट के लिए आई हैव डिसाइडेड टू मेक भिंडी की सब्जी एंड पराठा, बिकॉज भिंडी की सब्जी यू नो सारे ही बच्चों की फेवरेट होती है, निश्चय की भी ये फेवरेट है। तो सब्जी मैंने काट ली है और चलिए अब इसको चढ़ाते हैं। ऑयल काफी कम खाते हैं तो इसीलिए मैंने ऑयल काफी कम डाला है इसमें। तो सब्जी हमने डाल दी है पकने में और तब तक हम लगा लेते हैं पराठे का आटा। तो अब हमारा आटा भी रेडी हो गया है तो चलिए अब इसके पराठे बना लेते हैं। फर्स्ट ट्रायंगल पराठा रेडी है निश्चय के लिए। इसको डाल दिया तवे पे, अब इसे सेक लेते हैं हम घी से। फ्रेंड्स, निश्चय का पहला पराठा रेडी है और ये काफी यमी लग रहा है। होप उसको भी काफी यमी लगे जब वो स्कूल में इसे ब्रेक में खाए। तो हमारे 2 पराठे रेडी हो चुके हैं निश्चय के टिफिन के, बट यू नो मैं निश्चय को ये टिफिन में ब्रेक करके दूंगी क्योंकि उसके पराठे तोड़ने में टाइम लगता है और ब्रेक का टाइम तो लिमिटेड ही होगा। तो मैं उसके छोटे छोटे पीसेस कर देती हूँ जिससे वो आराम से यू नो खा सकेगा, नहीं तो उसे काफ़ी टाइम लगता है तोड़ने में और वो बहुत ही छोटे छोटे बाइट्स तोड़ पाता है एंड आई डोंट वॉन्ट हिम टू वेस्ट पराठा। तो मैं ही इनको तोड़ के अंदर रख दे रही हूँ जिससे वो आराम से इन्हें खा ले। ये मैंने ब्रेक कर दिए हैं, गरम है अभी। ये देखिए, ये मैंने ऑलरेडी पराठे उसके टिफिन में ब्रेक करके रख दिए और यहाँ उसकी जाएगी भिंडी की सब्जी
जो अभी पक रही है, जो कि उसका फर्स्ट डे है एंड देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टेक टू द स्कूल. तो मैंने सब कुछ पहले ही रात को यहाँ सेट करके रख दिया था बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि आज के दिन वो कुछ भी भूले. तो दिस इज निश्चित न्यू बैग, न्यू बॉटल, आई कार्ड, यूनिफॉर्म, अगेन एन आई कार्ड, सॉक्स, वॉच, मास्क एंड द न्यू शूज. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक. तो निश्चय जा चुका है बस के चलने से पहले ही वो काफी रोने लगा. उसको देख के मुझे भी रोना आ गया. दिस फीलिंग इज वेरी वियर्ड. तो फर्स्ट टाइम स्कूल जाना, आई कैन अंडरस्टैंड. मैं भी रोई थी. होप ही एंजॉयज. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग. इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर. आप भी बताइएगा हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस इफ यू आर अ पेरेंट, कि आपका बच्चा जब पहले दिन स्कूल गया हाउ यू फेल्ट. आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी दैट फाइनली ही इज गोइंग टू हिज फॉर्मल स्कूल एंड होप फॉर द बेस्ट. आई थिंक जब वो शाम को आएगा, दोपहर को आएगा, देन ही विल बी हैप्पी, ही विल बी एंजॉइंग. तो निश्चय स्कूल जा चुका है और मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी. उसका फर्स्ट डे है एंड ही स्टार्टेड क्राइंग. तो थोड़ा लगता है पेरेंट्स को कि ठीक हो जाएगा. कोई नहीं, वो चुप हो गया था. उसको कार्स एंड बसेस वैसे ही बहुत अच्छी लगती है, तो जैसे ही बस चली थी वो चुप हो गया था. तो इट्स गुड. और लेट्स होप कि अब जब वो घर आता है ही मस्ट बी हैप्पी. उसने नए फ्रेंड्स बनाए होंगे ऑफकोर्स. तो देखते हैं क्या होता है अब आगे. और इस ब्लॉग को देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा. तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय.